तुमच्या पाठीमागे येईल मान बाहेर काढला ना तिकडनं पाणी धुपार नाग धुपार नागे नाग धुपार बरनी आता सोडलं त्याने काही मेसेज निघला तरी उतना घातक आहे छोटे बडे कसे असून डेअरिंग काय करायची मला दाखवून मग आत कशाला लावतो त्याला तुला माहिती घ्यायचं भारत काय पाणी पण मागणार नाही. नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हमारा आमना सामना जो है स्पेक्टेकल कोबरा से हुआ है, बेबी स्पेक्टेकल कोबरा से. और मुझे किसने कॉल किया था? मैंने. रुपेश. हाँ, आप इधर आओ सामने. क्या नाम है? रुपेश. रुपेश, ये रुपेश है. तो इन्होंने हमको कॉल किया और इसके ऊपर नजर बना के रखी. नजर बनाने से फायदा यह होता है कि हमको जो सांप है वो आसानी से मिलता है और मिलने के बाद हम इसको सही तरीके से वहां से रेस्क्यू करके इसको जाके फॉरेस्ट में हम लोग रिलीज करते हैं. फिलहाल अभी जो मैंने पकड़ा यह स्पेक्टेकल कोबरा है, अभी तो छोटा है लेकिन कितना भी छोटा हो या बड़ा हो या जब वो अंडे में जब बाहर आता है जब शिकार करने के लिए अगर उसने आपको प्रॉपर बाइट ली तो उतना ही घातक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ध्यान में रखना है. और जिस तरह इन्होंने नजर बनाई हमेशा इसी तरह उसके ऊपर नजर बना के रखना है ताकि हमको मिलने में आसानी होती है. अगर इन्होंने इसके ऊपर नजर बनाई नहीं होती तो शायद ये कहीं गलती से दूसरी जगह चले जाता. तो आस पास एक घर है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा. यहाँ पे पैन कर थोड़ा ऐसा. तो आपने देखा कि आसपास जो काफी लोगों के यहाँ पे घर है तो अगर इसके ऊपर नजर बनाई नहीं होती तो ये घर के अंदर बाई चांस दाखिल हो जाता और जब इसके ऊपर किसी का पांव आता या इसके ऊपर किसी का हाथ आता तो ये 100% आपको काटेगा. ये बात ध्यान में रखनी. और दूसरी बात और एक बता देता हूँ कि किसी ने भी सांप को पकड़ने की कोशिश करनी नहीं है, खाली ये काम जो है स्नेक कैचर का है. प्रोफेशनल जो सर्प मित्र है ये उन्हीं का काम है. किसी लोगों ने भी इसको ट्राई नहीं करना, चाहे वो पॉइजनस हो चाहे नॉन पॉइजनस हो. आपको सांप को हाथ लगाना नहीं है, सांप को हाथ लगाना गैर कानूनी है, सांप को अपने पास बॉटल में रखना नहीं है. जब आपके पास कोई सर्प रक्षक बाय चांस नहीं आता, कोई आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है और अगर वो नॉन पॉइजनस सांप है, अगर आपने उसको पहचान लिया है तो एक डंडे से उसको एक कोशिश करना है बोरी में डालने की और बोरी में डालकर उसको दूर नदी के किनारे पर जाकर छोड़ना है. और अगर वो जहरीला सांप है और आपने उसको पहचान लिया है तो जब तक कोई स्नेक कैचर आता नहीं तो खाली उसके ऊपर नजर बना के रखे, उसे पकड़ने की कोशिश करना नहीं है. क्योंकि अगर आपने इसको पकड़ने की कोशिश की तो आपको बाइट हो जाएगी और इसके जहर तो आपको बाद में मारेगा लेकिन इंसान का जो डर है वो डर पहले इंसान को मार देता है. तो आपको यह बात ध्यान में रखना है. फिलहाल जो मैंने पकड़ा यह स्पेक्टेकल कोबरा है जिसको नाग बोलते हैं. और थोड़ी सी एक बात आपको थोड़ी सी बता देता हूँ सब लोगों को. नाग यानी कोई भगवान का अवतार नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है और यह कोई दूध नहीं पीता. नाग का दूध के साथ कोई लेना देना नहीं. कोई भी जो सांप है वो दूध नहीं पीता क्योंकि जो ये स्तनधारी नहीं है, कोई भी सांप जो है वो स्तनधारी नहीं है और इसके अंदर हड्डियां नहीं होती. कोई भी सांप है उसके अंदर हड्डियां नहीं होती. तो हड्डियां नहीं होती इसकी वजह से वो कैल्शियम को हजम नहीं कर सकता. इसके लिए कोई सांप जो है वो दूध नहीं पीता. दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं जो दूध नहीं पीता. ये लोगों का सिर्फ अंधविश्वास है. और एक बात बोलना चाहूंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि कोई सांप उसके हमारे नजदीक आ गया और उसने फूंक मार दी और फूंक मारने के बाद वो बीमार हो गया या 6 महीने के बाद वो मर गया, उसके शरीर पे कुछ इंफेक्शन हो गया. तो ऐसा कोई नहीं होता. कोई भी सांप जो ऐसा फूंक नहीं मारता. ये जब खतरा इसको महसूस होता है तो आवाज निकालता है जिसको फुंकारे देना बोलते हैं. तो ये फुंकारे देता है यानी ये हमको वार्निंग देता है. नाक जब इसके नजदीक जाएंगे तो ये हमको काट लेगा. तो उसके पहले ये जब वार्निंग देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको फूंक मार रहा है तो आपको कुछ बीमारी हो जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं होता. और इसके साथ जो अंधविश्वास जो जुड़ा है लोगों का, मैंने वीडियो में कई बार आपको बताया, जिस तरह धामन सांप के बारे में लोगों को बताया कि कुछ लोग बोलते हैं धामन सांप पूंछ मारता है, उसके पूंछ में कांटा है, उसके पूंछ में जहर है, धामन सांप भैंस के पैर को लपेट कर उसका दूध पी लेता है. तो सब बकवासबाजी है, ये सब अंधश्रद्धा है. ऐसा कुछ नहीं होता. सांप जैसे बाकी जानवर प्राणी है ऐसा है. ये गलती से यहाँ पे शिकार की तलाश में आया था और जब मैंने इसको यहाँ से रेस्क्यू किया तो
इसके मुंह में कुछ मेरे ख्याल से चूहा या मेंढक कुछ था, क्या था? तो उसके मुंह में मेंढक था, जब मैंने उसको बाहर खींचा तो वहां से कुछ निकल के भाग गए ना वो मेंढक उसके मुंह में। तो बस आखिरी में इसी तरह लोगों से अपील करता हूं, और जितने भी लोग हैं सर्प रक्षक और जो स्नेक कैचर है, इनको छोड़ के किसी ने भी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करना, भले आपको कितना भी पता हो, उसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। ये काम स्नेक कैचर का है, स्नेक कैचर आके उसको पकड़ेगा और फॉरेस्ट में रिलीज करेगा। इसी तरह नजर बना के रखो, इससे आप भी सेफ होंगे, और ये जो बेजुबान जानवर गलती से भूले भटके यहाँ पे शिकार की तलाश में आया तो ये भी सेफ होता है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले सांप की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। चलना कसल पावस पड़ी।